नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। दिसंबर जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे वैसे मौसम तेजी से करवट ले रहा। दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्से ठंड की चपेट में है। कड़ाके की सर्दी में घने कोहरे की मार भी जारी है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ आज प्रदूषण का स्तर भी बेहद खराब श्रेणी में है। पश्चिम और दक्षिणी पश्चिम दिल्ली में येलो अलर्ट जारी हुआ है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और ये पांच तस्वीरें आपके सामने, जहां पर फर्रुखाबाद, रायबरेली, गाजियाबाद, मेरठ और जौनपुर से पांच तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कोहरे का जो प्रकोप है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे दिसंबर बीतता जा रहा है वैसे ही मौसम भी करवट तेजी से लेता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर, राजस्थान और साथ ही आपको बता दें कि यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्से अब ठंड की चपेट में है। कड़ाके की सर्दी में घने कोहरे की मार भी जारी है और इन पांच तस्वीरों से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कैसे कोहरे की जो मार है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। जौनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, फर्रुखाबाद, रायबरेली की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको बता दें कि घने कोहरे का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वही राजधानी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ आज प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद ही खराब श्रेणी में है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। AQI लेवल में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो जीरो विजिबिलिटी अब सड़कों पर देखने को मिल रही है। सड़कों पर धुंध और धुएं का जो कोहरा है वो लगातार अब देखने को मिल रहा है। एनसीआर और दिल्ली में धुंध की चादर अब समेटे हुए हैं और ये तस्वीरें भी आपके सामने पांच जगह से हैं। फर्रुखाबाद, रायबरेली, गाजियाबाद, मेरठ और जौनपुर से तस्वीरें जहां पर अब लगातार कोहरे का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और विजिबिलिटी लगातार अब कम होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद कई सड़क हादसे भी हो रहे हैं। सड़क हादसे के चलते लगातार कई लोग इन हादसों में घायल हो रहे हैं। तो कोहरे के चलते कई बार कई वाहन हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। तो कड़ाके की सर्दी में घने कोहरे की जो मार है वो लगातार जारी है और पांच तस्वीरों से समझा जा सकता है कि किस तरीके से प्रदेश में जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। घना कोहरा लगातार देखने को मिल रहा है। रायबरेली की तस्वीरें देखिए और जौनपुर में, गाजियाबाद में, मेरठ में और फर्रुखाबाद की तस्वीरें जहां पर घने कोहरे की चादर इन शहरों में लगी हुई है। तो गाजियाबाद की तस्वीर और रायबरेली की तस्वीर, जौनपुर की तस्वीर, मेरठ और फर्रुखाबाद की तस्वीरों से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो कोहरे की मार है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और यहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद खराब श्रेणी में है। AQI लेवल एक बार फिर से बढ़ रहा है, जिससे कि आम जनता की जो परेशानियां हैं और भी ज्यादा बढ़ रही है। वहीं अगर कोहरे की बात की जाए तो कोहरा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है। आने जाने में राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। कई सड़क हादसे अब देखने को मिल रही है।